जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है रामलीला मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम रामलीला मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रामलीला मूवी की कहानी के बारे में। तो 500 साल से चल रही रजाड़ी और सनेड़ा खानदानों के बीच फैली दुश्मनी, नफरत और खूनी होली के बीच गुजरात के एक छोटे से गांव में राम यानी रणवीर सिंह और लीला यानी दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी शुरू होती है। रजाड़ी खानदान का राम दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन चाह कर भी अपने पिता और बड़े भाई के सामने कर कुछ नहीं पाता। राम चोरी चकारी करने के साथ गाँव में अपना छोटा सा वीडियो थिएटर चलाता है, जहाँ ब्लू फिल्में दिखाई जाती है। होली के दिन राम अपने दोस्तों के साथ सनेड़ा खानदान में होली खेलने जाता है। यहीं पहली मुलाकात में राम और लीला एक दूसरे पर मर मिटते हैं। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार अपनी फैमिली की नज़रों से दूर छिपकर परवान चढ़ने लगता है। राम और लीला अच्छी तरह से जानते हैं कि राम का परिवार और उधर लीला की बा थानोकर इस रिश्ते को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेगी। इसी बीच गोलियों के एक खूनी खेल में राम के भाई की हत्या सनेड़ा लोगों से होती है, वहीं मौजूद लीला के भाई की भी हत्या कर दी जाती है। अपने अपने भाई की हत्याओं के बावजूद लीला और राम के रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लीला राम के साथ भागने का फैसला करती है। दूसरी ओर लीला की मां अपने बेटे की हत्या का बदला पूरे रजाड़ी खानदान से लेने पर आमादा है। रजाड़ी खानदान के लोग राम को अपना नेता चुनते हैं, जो सनेड़ा खानदान से अपने भाई की हत्या का बदला ले सके। अगर इस मूवी में एक्टिंग की बात करें तो राम के किरदार में रणवीर सिंह ने अब तक के फिल्म की करियर का बेहतरीन काम किया है। इस किरदार के लिए रणवीर ने महीनों जिम में पसीना बहाया, तो डायलॉग डिलीवरी के लिए उन्होंने एक गुजराती वर्कशॉप अटेंड की। वहीं दीपिका पारंपरिक गुजराती कॉस्ट्यूम में खूब जमी है। दीपिका की ननंद रसीला के किरदार में रुचा ठीक ठाक है। सरपंच की छोटी सी भूमिका में रजा मुराद अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रहते हैं। हाँ, बा के किरदार में सुप्रिया पाठक की मेहनत पर्दे पर साफ नज़र आती है।